वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक तियानी। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था एरे 1D और 2D। तो आज हम इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज करने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट हैं 1D एरे और 2D से रिलेटेड, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो विद प्रैक्टिकल हम ये सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है आपने। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एंटर 5 एलिमेंट्स बाय यूजर एंड डिस्प्ले इट। 5 आपने एलिमेंट लेने हैं एरे में यूजर के द्वारा और डिस्प्ले कराना है 1D एरे। ठीक है, 1D लिखा है, वन डायमेंशनल एरे। तो आपको करना क्या क्या है, आपको सबसे पहले एक इंपोर्ट कराना है java.ut.str। एक लाइब्रेरी है ये, इससे ऑल फंक्शन जितने भी मॉड्यूल हैं हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। ऑल मॉड्यूल को हम क्या कर पाते हैं, एक्सेस। इसमें इनपुट आउटपुट मैथ जितने भी आपकी लाइब्रेरी है वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं एस्ट्रिक लिखने से। अगर यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं होता, मैथ होता, तो आप खाली मैथ फंक्शन को यूज कर सकते थे। तो हमने क्या लिख दिया, एस्ट्रिक। तो इससे क्या है, सारे मॉड्यूल सारे फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पार्ट इससे काफी परिचित हैं। क्लास का नेम ये मेन पार्ट है। तो मैंने क्या करा है, एक यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है एन और आई। ठीक है, फिर मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर system.n, यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। फिर मैंने एक मैसेज दिया system.out.println नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, और उन एलिमेंट को हमने किसमें स्टोर करा कि कितने एलिमेंट आपको चाहिए, n पे। ठीक है, और एक एरे बना दिया है int ar equal to new int n। ठीक है, जब आप यूजर से वैल्यू लेते हैं तब ऐसे एरे क्रिएट करते हैं। फिर एक मैसेज दिया यूजर को system.out.println एंटर एलिमेंट्स, एंटर करोगा एलिमेंट्स। ठीक है, तो यूजर ने करा फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस एन, आई प्लस प्लस, ए आर आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एन, ये एलिमेंट स्टोर हो गएंगे। फिर हमने इसको डिस्प्ले करा दिया होगा। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब ज्यादा चीजें हमको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जावा का स्टार्टिंग बॉयलर प्लेट। तो फिर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, और यहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं int n comma i। ठीक है, और अब हम यहां पर क्या करते हैं, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर क्यों काम आता है, स्कैनर यूजर से वैल्यू लेता है। स्कैनर sys का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट n। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करना है, एक एरे डिक्लेयर करनी है। एरे से पहले ऐसा करते हैं कि एक यूजर से एलिमेंट ले लेते हैं कि कितने एलिमेंट यूजर चाहता है। तो एक मैसेज लिखता हूँ system.out.println एंटर, स्पेलिंग गलत हो रही है, एंटर एलिमेंट्स यू वॉन्ट एन एन एरे। ठीक है, आप कितने एलिमेंट चाहते हैं एरे में, तो कित क्या लिखेंगे, एन पे स्टोर करते हैं, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंट। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूं एंट ए आर, ये एरे का हो गया डिक्लेरेशन। और मेमोरी इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, न्यू एंट। ठीक है, और आपके एलिमेंट कितने हैं वो एन को पता है, तो एन को दे दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ यहां से, अब मैं एक मैसेज फिर से देता हूँ system.out.println। तो मैं लिखता हूं एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर i इक्वल टू जीरो, i less n डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं ar i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है, और ये हो गया क्लोज। अब डिस्प्ले कराना है तो एक फिर से मैसेज डाल देते हैं system.out.println
प्रिंट एल एन डाल देता हूँ, डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स, ठीक है, और ये इसको उठाता हूँ इधर, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इधर, और बस आपने ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, तो डबल कोट्स में मैसेज देता हूँ, एरे एलिमेंट्स इज कॉन्कैटिनेशन प्लस ए आर आई, ठीक है, एक ब्रैकेट और आएगा, ठीक है, जितने भी ब्रैकेट ओपन होते हैं उतने क्लोज जरूर होंगे, ठीक है, तो और तो ऐसा कुछ है नहीं, ओके, सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, वैसे हम यहां पर n भी लिख सकते थे, लेंथ को हटा देते हैं, n कर देते हैं, बिकॉज n को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने, ठीक है, तो सेव करते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, एंटर एलिमेंट्स यू वांट इन एन एरे, मैं 5 एलिमेंट चाहता हूं, ओके, तो मैं 5 एलिमेंट चाहता हूं, ठीक है, तो ये कह रहा है एंटर एरे एलिमेंट्स, तो मैंने डाला 1, एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5, ठीक है, तो यहां पर आपके एरे डिस्प्ले होके आ रही है, तो आ रहा है डिस्प्ले एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट्स इज 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा बेनिफिट है यूजर से इनपुट लेने का, तो लेंथ पर ध्यान नहीं देना, मैंने लेंथ कैलकुलेट कर दी थी, बट एन को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, आप देखो फिर से कोई दूसरे एलिमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, सपोज अभी मैं 3 एलिमेंट लेना चाहता हूँ एरे में, तो 3 दबाया मैंने, ये देखो एंटर एरे एलिमेंट्स, मैंने 34 ले लिया, एक 56 ले लिया, एक 78 ले लिया, तो ये आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ एरे एलिमेंट इन एरे 1D, सम करना है एरे का, देखो यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने 5 एलिमेंट तो लेने हैं, सपोज आपने ले लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, अब आपने इनको डिस्प्ले ना कराते हुए इनका क्या कराना है, सम कराना है, ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें और इसमें काफी सिमिलरिटीज हैं, कैसे, सिमिलरिटी ये है कि आपका जो यहां तक का पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपने 5 एलिमेंट तो यूजर से लेने ही है, 5, 6 जितने भी, अब आपने उसका क्या करना है, सम करना है, अब सम कराने के लिए देखना, ध्यान से देखना है पर क्या मैं चेंजेस कर रहा हूं, एक लाइन अगर आप चेंज करते हैं तो पूरा बदलाव आ जाएगा, तो आप लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस, ठीक है, आप एक s वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो जिसकी इनिशियल वैल्यू दे दो 0, ठीक है, तो s इक्वल टू s प्लस ए आर आई, ये ए आर आई का मतलब पता होना चाहिए, अब देखो ए आर आई कह रहे हैं, जब ए आर क्या है, एरे है पूरी और आई इसकी इंडेक्स हर टाइम बदल रही है, एवरी टाइम चेंज द इंडेक्स, तो ए आर पहले सबसे पहले 0 होगा तो 0 इंडेक्स पर 1 आ रहा होगा, फिर ए आर 1 हो रहा होगा तो वहां पर 2 आ रहा होगा, फिर ए आर 3 हो रहा होगा तो वहां पर 3 आ रहा है, तो ऐसे ऐसे ये चेंज हो रहा है, और ये सारा का सारा सम किसके पास स्टोर हो रहा है, एस के पास, और जब ये काम हो जाएगा तो ये वाला मैसेज मैं उठा के यहां से नीचे पेस्ट कर देता हूं, तो यहां पर मैं इसमें लिख देता हूं एरे सम इज, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन प्लस एस, ठीक है, आफ्टर एरे, जब ये पूरा का पूरा लूप एग्जिट होगा तब उसके बाद हम एस को प्रिंट करा लेंगे, सेव करता हूं और मैं इसको रन करके देखता हूं, तो ये कह रहा है एंटर एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, मैं ले लेता हूं यहां पर 5, 5 एलिमेंट चाहता हूं, तो ये एंटर एरे एलिमेंट्स कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो एरे सम इज 15, 1, 2, 3, 4, 5 का सम क्या होगा, 15 होगा, तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो गाइस आप एरे के एलिमेंट्स का सम ऐसे कर सकते हैं, देखो यार कुछ चीजें तो कॉमन है,
कॉमन क्या है कि यार यूजर से इनपुट लेना है, ये बार बार यही चल रहा है आपका। ठीक है, आपने स्टोर कर लिया एआर पे, अब कभी आप इसका डिस्प्ले कर दे रहे हो, कभी आप इसका सम कर दे रहे हो, तो कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजों को समझ लो। ठीक है, तो बार बार ना समझना पड़े, तो ये चीज यहां पर कॉमन थी। बस मैंने यहां पर क्या करा, एस एक इनिशियलाइज कर दिया और एस में जो भी एरे के एलिमेंट आ रहे हैं उनको स्टोर कर दिया, तो आपको सम कर दिया। कुछ भी बहुत नई बात नहीं थी, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ओनली इवन एलिमेंट्स इन एन एरे। ओनली इवन नंबर्स का ही सम करना है। जैसे अभी मेरे पास एरे थी, एरे में क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5। अब इसमें इवन क्या है, 2 और 4 है, 2 और 4 का ही सम करना है कह रहा है। तो क्या करना होगा, इस लूप के अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो इवन है उनका सम करना है। तो क्या करोगे, इफ ए आर क्या है, पूरी एरे है, इसमें एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, आई से, ए आर आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल अगर 0 के बराबर होता है तो इन्हीं का मुझे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो भैया इसको उठा के इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इफ ए आर आई एरे का एलिमेंट अगर 2 से पूरी पूरी बार डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो इन्हीं का हमें क्या करना है, सम करना है। तो सेव करता हूं, रन करके दिखाते हैं आपको इसको, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, एंटर एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, मैं 5 एलिमेंट्स चाहता हूं। एंटर एरे एलिमेंट्स 1, एंटर 2, एंटर 3, सॉरी 3, एंटर 4, एंटर 5। तो सम क्या आना चाहिए, 6। 4 और 2 इवन है, तो देख लेते हैं एरे सम इज 6। देखो इसको और अच्छा करते हैं, मैसेज को थोड़ी सी इंप्रूव करते हैं, इवन एरे सम इज, फिर से रन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये क्या कह रहा है, एंटर एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, मैंने अभी मैं 4 लिखता हूं। ठीक है, तो फिर एलिमेंट लेता हूं 2, एंटर 4, एंटर 6, एंटर 8, तो 20 हो रहा है। 2 2 4 6 8 को जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 20। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई ये आप ऐसे बहुत आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत नई बातें नहीं है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटर 3x3 मैट्रिक्स इन एन एरे एंड डिस्प्ले इट। 2D करना है, अब हमने 2 डायमेंशनल एरे हमने यहां पर अब करनी है बाय यूजर। देखो कॉमन चीज क्या है कि आपका पार्ट यहां तक तो वही है, ठीक है, ये सारी चीजें सेम है। यहां पर क्या है, एरे चेंज हो जा रही है, एंट ए आर, ये जो ए आर है, अब एरे मेरी ऐसे हो गए, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लग रहे हैं। जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये रो के लिए होता है, और जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉलम के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी 2 डायमेंशनल एरे होती है कुछ इस फॉर्म में होती है, ऐसे रो और कॉलम की फॉर्म में होती है, तो इसमें यहां पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, और 2 लूप का भी होगा क्योंकि पहले रो है और फिर रो के अंदर कॉलम है। तो कैसे इसको हम करेंगे ये हम यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक रो होती है एक कॉलम होती है, तो अपने क्वेश्चन को ही हम मॉडिफाई करते हैं यहां से। ओके, एंटर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, ठीक है, रो के लिए हम ले लेते हैं यहां पर एम। ओके, यहां पर एम डिक्लेयर कर देते हैं, कॉमा एम। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं एन, और एरे क्या होगी, इंट ए आर ये। ठीक है, एक पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, इंट यहां पर हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर ब्रैकेट एन। ठीक है, ओके, अब देखिए अब हमने क्या करना है, यहां पर आ रहा है इसके नीचे का पार्ट हम अभी हटा देते हैं। ओके, इतना हम पार्ट हटा देते हैं। तो ये कह रहा है एंटर एरे एलिमेंट्स, तो इसमें 2 लूप लगेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस एम, आई लेस एम, क्योंकि रो के लिए एम है तो हमने एम ले लिया, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस
एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इंट ए आर आई जे आई, और ये ले लेते हैं जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और जे को भी इधर हम डिक्लेयर कर देते हैं टॉप में, ठीक है। ठीक है, ये भी सही हो गया है। और यहां पर एक चीज करेंगे, जैसे हमारी कॉलम चेंज होगी तो हमारा नई लाइन पर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। ओके, नाउ इसी को मैं उठा के यहां पर कॉपी कर देता हूं, इसमें एंटर ना लिखते हुए आप लिख देता हूं मैं डिस्प्ले, डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स, और इधर मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम क्या लिख देते हैं ए आर आई जी। अच्छा, ये एल एन नहीं लिखेंगे बिकॉज इसका जो डायग्राम है वो सब चेंज हो जाएगा, अभी समझाऊंगा आपको। और ये एक ब्रैकेट और आएगा, सही है, ठीक है। तो सेव करता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ आपको। एंटर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी रो चाहिए, मैंने 3 लिखा, कॉलम कितने चाहिए 3, ठीक है। तो एंटर एरे एलिमेंट्स, तो मैंने 1, एंटर 2, एंटर 3, जैसे ही मैंने 1 2 3 डाला उसके बाद से एक गैप आ गया क्योंकि एक रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो 4, एंटर 5, एंटर 6, दूसरी रो कंप्लीट हो गई है, 7, एंटर 8, एंटर 9, थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इसलिए नहीं लिखा, अगर एल एन लिखता ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग लाइनों में बिखर जाते, तो मैंने क्या करा, एक रो कंप्लीट हुई और उसमें जितने भी कॉलम थे वो कंप्लीट हुए, जब देन कॉलम आपके एग्जिट हो गया तब आपका लूप नई लाइन पे सेंड कर रहा था मैं। तो ये टेक्निक क्या है, इसमें आपको आना जरूरी है नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो थोड़ी सा नेस्टेड लूप को समझ लो तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। वैसे इसका बेसिक पार्ट भी है एरे का, तो उसको देखना जरूरी है, यहां पर आने से पहले पहले वाला जो वीडियो है उसको देखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इन 2D एरे। आसान सा है, हम जैसे एलिमेंट ले रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं, बस एक वेरिएबल लगा देते हैं क्या एस, जिसका सम करना है, ठीक है। एस मैंने लिया भी है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और करते क्या है हम, इधर हम लिख देते हैं एस इक्वल टू एस प्लस ए आर आई जे, ठीक है, फाइन, ये सही आ रहा है। और हम यहां पर इसको हटा देते हैं, आफ्टर लूप हम देखते हैं मैट्रिक्स सम इज, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, और एस लगाते हैं। ओके, बहुत नई बातें नहीं है, देखो आपको एलिमेंट लेने आते हैं, एरे आपको स्टोर करनी आ गई है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये करा जो एलिमेंट आ रहे हैं जो वैल्यूज आ रही हैं उनको एस में स्टोर कर दिया, और जब लूप एग्जिट हो गया तो एस को डिस्प्ले करा दिया। सेव करता हूँ और रन करके दिखा देता हूँ आपको, ये कह रहा है एंटर नंबर ऑफ रो मैंने डाला 3, एंटर नंबर ऑफ कॉलम मैंने डाला 3, ठीक है। एंटर एरे एलिमेंट 1, एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5, एंटर 6, एंटर 7, एंटर 8, एंटर 9, तो मैट्रिक्स सम इज 45, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आपकी पूरी मैट्रिक्स का जो सम आ रहा है वो 45 आ रहा है। और मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क भी बना के रखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सेपरेटली सम इवन एंड ऑड एलिमेंट्स 1D में, ठीक है। 1D एरे में आपने सेपरेट सम करना है इवन और ऑड एलिमेंट का, जैसे आपके पास एक एरे है 1 2 3 4
5। अब इसमें इवन क्या है, ये है दो इवन, इनका सम कितना आ रहा है 6, और ऑड क्या है 1, 3, 5, इनका सम क्या होगा 9। तो ये आपने अलग अलग निकालना है। अगला क्वेश्चन है आपका सम ऑफ ईच रो 2D एरे में, जैसे आपके पास एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो आपने हर एक रो का सम करना है। जैसे आपके पास एक मैसेज आना चाहिए, फर्स्ट रो सम इज 6, 3, 2, 1, ये एक रो हो गई। फिर सेकंड रो सम इज 6 और 5, 11 और 5, 4, 15, थर्ड रो सम इज जो भी आपका आएगा, तो आप ऐसे आपको ये डिस्प्ले कराना है। तो गाइज ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम से आप इनको ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो और अपडेट लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।